दोस्तों, औरतों में हैज की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या औरतों के लिए यह एक सजा है? क्या यह सच है कि हजरत हव्वा को सबसे पहले हैज आया था, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक सजा थी? क्या औरतों में हैज की शुरुआत बनी इसराइल से हुई है? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक साफ थी? आज का यह वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद में बनाया जा रहा है। इसमें हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से वीडियो इंटरनेट पर फैल रही हैं जिनमें गैर मुस्तंदी रिवायत पेश करके भोले भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो देख देख कर हम सब अपनी माँ हजरत हव्वा पर बुराई बांध देती हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हजरत अब्दुल रजाक और मुस्नद असहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत असमा बिनती अबू बकर से रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को यह इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। इसलिए बनी इसराइल की औरतें मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। इसके लिए मस्जिद में मर्दों और औरतों के दरमियान में यानी कि दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया जाता था जिसके एक तरफ औरतें नमाज पढ़ती थी और दूसरी तरफ मर्द नमाज अदा करते थे। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में लगे पर्दे के पास गई और अपनी एड़िया उठाकर मर्दों में से अपने आशिक को देखने लगी और फिर उसने यह रोजाना का मामूल बना लिया था। फिर उसकी देखा देखी सभी औरतें मस्जिद में आती और अपनी अपनी एड़िया उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों में ताक झांक करने में लग जाती। उनका यह अमल देखकर अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज हुआ, इसलिए फिर उनको मस्जिद में जाने से इस तरह से रोका गया कि उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रिवायत से यह सबक लेते हैं कि हैज की शुरुआत ही बनी इसराइल से हुई है, जो कि गलत है, यानी कि ऐसा कहना सरासर गलत होगा क्योंकि मुफेसरीन इस रिवायत की तफसीर में लिखते हैं कि यह हैज आम नहीं था बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने के बदले में अल्लाह पाक ने उनको यह सजा दी थी, इसलिए फिर 4 महीनों तक लगातार वो औरतें सुबह शाम उसी हैज की कैफियत में रही, जिससे उनका मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो यह अजाब उनके ऊपर से हटा दिया गया, यानी कि उनके ऊपर से यह अजाब खत्म कर दिया गया। सही हदीस मुबारक से यह बात साबित है कि औरतों में हैज की शुरुआत रोजे अव्वल से है, यानी कि हैज की शुरुआत औरत के तखलीक के साथ ही हुई है। आइए इसके बारे में अब आपके सामने दो और हदीस मुबारक पेश करती हैं जिनसे यह बात साबित हो जाएगी कि हैज की शुरुआत पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से हैज की शुरुआत हुई है। दोस्तों, एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो यह देखकर हजरत आयशा इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो हज अदा करने से महरूम हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस बात की जानकारी हुई तो आपने हजरत आयशा को समझाते हुए फरमाया, ए आयशा, यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक साफ होने तक काबा शरीफ का तवाफ ना करो। बिल्कुल इसी तरह से एक और हदीस है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हजरत उम्मे सलमा बयान करती है कि एक मौके पर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में थी कि मुझे हैज आने लगा। यह देखकर मैं वहाँ से खड़ी हो गई। जब आपने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने बताया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे हैज आने लगा है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में बाब भी कायम किया है जिसका नाम हैज का आगाज कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी इसके आगे लिखते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि हैज का आगाज बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल से पहले भी हजरत आदम की औलाद में हैज मौजूद था, यानी कि बनी इसराइल से पहले भी औरतों को हैज आता था।
अल्लामा इब्ने हजर असकलानी ने फतल बारी में भी यही साबित किया है कि हेज इब्तदाई तखलीक से ही औरतों को आता रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं उन रिवायतों के बारे में जिनमें यह कहा जाता है कि हेज की शुरुआत हजरत अव्वा से हुई है जो बतौर सजा उनके साथ में ऐसा हुआ था। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैही सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन जैद रहमतुल्लाह अलैही की यह रिवायत नकल करती हैं कि हजरत हव्वा को पहले हेज नहीं आता था, उनकी तकलीफ पाकीज़ा हुई थी लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और वो फल भी खा लिया था जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको मना किया था, जिससे नाराज होकर अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया और फिर उनको हेज और हमल की सजा दी गई। बाद जगहों पर लिखा है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया कि मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तिबरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सिरीन ने इन रिवायत को झुठलाया है, उन रिवायतों को गैर मुस्नद और नाकाबिले करार दिया है। दोस्तों हेज दरअसल एक तिबियाती मरज है जिससे हर महीने औरत को खून निकलता है और इसको सेहत की अलामत भी समझा जाता है और इसी हेज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। यह अल्लाह पाक का निज़ाम है। गैर हामिला औरत को अगर हेज ना आए तो इसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। इसलिए याद रखें, हेज औरत के लिए कोई सज़ा नहीं है और ना ही यह बात किसी रिवायत से साबित है कि हेज औरत के लिए सज़ा है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसान की तखलीक के लिए औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वो अजर व सवाब की हकदार होती हैं। दोस्तों जैसा कि एक दफ़ा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। यहाँ पर हजरत आयशा का इशारा हेज और हमल की तकलीफ की तरफ था, तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर आपने फरमाया, ए आयशा नहीं बल्कि यह तो एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से बनी आदम की औरतें आजमाई गई। इसकी तफसीर में अल्लामा हजर असकलानी फतल बारी में लिखती है कि औरतों की तकलीफ की अल्लाह ने ऐसे की है कि उन्हें हेज आई, इन पर पहले दिन से यह लाजिम करार दिया है। याद रहे, जो औरतें इस पर सब्र करेंगी तो वो अजर व सवाब की हकदार होंगी और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेंगी तो वो अल्लाह की तकलीफ में ऐब निकालने जैसे गुनाह की हकदार होंगी। दोस्तों उम्मीद है कि अब तो आप भी यह जान चुके होंगी, आप भी यह समझ गए होंगे कि हेज औरतों के लिए सजा नहीं है और ना ही इसे सजा के तौर पर हजरत अव्वा पर मुसल्लत किया गया था और ना ही हेज बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुआ था, बल्कि हेज और हमल तो अल्लाह पाक की आजमाइश है औरतों के लिए, जिनका अल्लाह पाक कयामत के दिन अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम इस्लामिक बहनों को सब्र के साथ में इस आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने और बुराई से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।